हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे केल्टन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, जिसमें सब इन्वेस्टर्स परेशान हैं क्योंकि यह शेयर 52 वीक लो पर पहुंच चुका है और अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि बाय करें, सेल करें कि होल्ड करें। केल्टन टेक के बारे में बात करने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको कल के लिए चाहिए होगा जैकपॉट शेयर जो कि 1 डे से 10 डेज में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, जैकपॉट शेयर आपके पोर्टफोलियो के लॉस को रिकवर करने में हेल्प करता है, या कोई शेयर ने आपको बहुत लॉस दे दिया होगा तो वो भी रिकवर करने में आपको जैकपॉट शेयर हेल्प करता है। मेरे पास कल के लिए भी 3 जैकपॉट शेयर रेडी है, आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, केल्टन टेक्नोलॉजी जो कि IT सेक्टर की एक दिग्गज और शानदार कंपनी है, बट ये लगातार गिरावट में है। फ्राइडे को इसका रेट था ₹50.20 एंड 52 वीक हाई था ₹107। इसका 52 वीक लो है ₹49, जिसके आसपास ये चल रहा है। हालांकि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, P7 का ही है, EPS 7 का है जो कि स्ट्रांग है, डेट टू इक्विटी रेशियो भी 0.22 है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। मज़े की बात यह है कि इसका बुक वैल्यू है ₹53, इंट्रेंसिक वैल्यू है ₹90 एंड ग्राम नंबर है ₹95, उसके हिसाब से भी ये काफ़ी सस्ता हो चुका है। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छे हैं, 18 करोड़ 17 करोड़ 17 करोड़ लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है, बट प्रॉब्लम यह है कि यह शेयर चल नहीं रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? उसके दो रीज़न हैं। एक तो ईयर ऑन ईयर इसका क्वार्टर रिजल्ट बढ़कर नहीं आया था एंड क्वार्टर एंड क्वार्टर कॉन्स्टेंट आया था। ऐसे कंपनी में इन्वेस्टर लोग जो होते हैं बड़े बड़े, वो थोड़ा सा दूरी बनाकर रखते हैं। उनको चाहिए होता है कि ग्रोथ होना चाहिए ईयर ऑन ईयर भी, क्वार्टर एंड क्वार्टर भी, प्रॉफिट में भी और रेवेन्यू में भी। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया इसका। क्वार्टर 3 का रिजल्ट एवरेज आया, ख़राब नहीं आया। दूसरी बात, IT सेक्टर में लगातार जो प्रेशर बना हुआ है उसका भी नतीजा हमें देखने को मिल रहा है। IT सेक्टर में थोड़ा सा अभी जो है एक साइडलाइन हो चुका है IT सेक्टर, इसलिए IT सेक्टर फोकस में ना होने के कारण भी केल्टन टेक में लगातार सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। और तीसरा रीज़न ये है कि केल्टन टेक में कोई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ भी नहीं रही है जिसके कारण इसमें शेयर रॉकेट बनकर जाए, तो इसीलिए थोड़ा स्लो ही चलेगा अभी। अभी अगर आपने हाई रेट पे बाय करके रखा होगा और लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा तो थोड़ा एवरेज कर सकते हैं, बट अगर मेरा यही कहना होगा फ्रैंकली स्पीकिंग कि अभी एवरेज नहीं करना चाहिए क्योंकि IT सेक्टर में अभी भी दबाव बना रह सकता है, तो थोड़ा सा रुक जाइए। क्वार्टर फोर के रिजल्ट में अगर रिजल्ट बहुत ही शानदार आ गए तो हो सकता है फिर से ऊपर जाना शुरू कर दे, और अगर आपका पैसा फंसा हुआ है और आपको पेशेंस नहीं है तो एग्जिट करके आप दूसरे शेयर में पैसा लगा सकते हो जिसमें आपको प्रॉफिट मिल सकता है, जो न्यूज़ में है, जिसमें अच्छा पोटेंशियल है बाय करने का, ऊपर ही ऊपर जा रहा है। तो ऐसे शेयर में भी आप 100% एग्जिट कर सकते हो या 30 से 50% अपना होल्डिंग बेचकर दूसरे शेयर में लगा सकते हो। यही आपके सामने ऑप्शन है। मैं जानता हूँ लॉस बुक करना इतना आसान नहीं होता है, बट कभी कभी हार्ड डिसीजन लेके लॉस बुक भी करना पड़ता है। और दूसरी बात, अगर आपका आपका पोर्टफोलियो भी रिव्यू कराना होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया है। तो फ्रेंड्स, देखिए कंपनी बुरी नहीं है पर IT सेक्टर में प्रेशर है, तो क्वार्टर फोर के रिजल्ट तक वेट कीजिए या फिर मार्केट में तेजी आएगी तो फिर से ऊपर जाना शुरू कर सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।